हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है वेडनेसडे और अभी बजे हैं 11 और मेरा काम जो है घर का सारा फिनिश हो चुका है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। चाय तो अभी मैंने आपके साथ ही पी है और चाय पीती पीती मैं ये बुक पढ़ रही थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है और ये मैं थर्ड टाइम पढ़ रही हूँ। और ये जब भी बुक ना, जब थोड़ा सा लो फील हो ना, आप इस बुक को पढ़ो तो यू विल रियली फील वेरी गुड। आपको एक थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस आपका जो ख़त्म हो जाता है वो आपको ये बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। चलो एनीवे, तो आज का व्लॉग मैं जो है अब ये स्टार्ट करने वाली हूँ। थंबनेल को देख करके आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि ये आज का जो मेरा वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, आज मेरा जो टॉपिक है वो है किचन टूर। तो किचन टूर में मैं आपको पहले से इंट्रोडक्शन में बता दूं कि मेरा जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर किचन है। अभी हमने कुछ भी इसमें वुडवर्क वगैरह करवाया नहीं है। तो आज मैं जो आपके साथ में किचन का टूर मेरा जो शेयर कर रही हूँ घर का, वो जो है वो नॉन मॉड्यूलर का है। बट जल्दी ही मैं ट्राई करूँगी कि मेरा जो किचन है वो बिल्कुल सेमी मॉड्यूलर जब बन जाएगा तो आपके साथ में मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो आज का जो नॉन मॉड्यूलर किचन है वो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा मेसी लगे, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर है तो थोड़ा मेसी हो सकता है आपको लगे। बट जैसा भी है, मैंने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से अच्छा इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा मेरा वीडियो देख करके कि मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है या नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, हर काम भगवान का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किचन में एक अन्नपूर्णा देवी और शंकर भगवान की फ़ोटो लगा के रखी है। तो ये मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ला के दी थी। उनका कहना है कि किचन के अंदर में अन्नपूर्णा माँ की जो फ़ोटो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो जब भी मैं भगवान को मैंने किचन में जब भी कुछ बनाती हूँ, सुबह का एटलीस्ट फर्स्ट जो खाना बनाती हूँ वो मैं यहाँ पर भोग ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद इधर में यहाँ पे मेरे बच्चों के ये दूध के मग्स वगैरह पड़े हैं और ये प्रोटीन शेक मेरे हस्बैंड जो पीते हैं उनके लिए ये शेकर पड़ा हुआ है और कुछ यहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह हैं। और यहाँ पे मैंने रेगुलर यूज़ की जो कप्स हैं वो रखी हुई है। कॉफ़ी है उसके बगल में। और इधर बर्तनों में हम आए तो यहाँ पे मेरी ग्लासेस, कटोरियाँ और प्लेट्स वगैरह रखी हुई है। वहाँ पे कैसरोल है, कढ़ाई बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये ट्राइपॉड रखा है मेरा, मैं इसी को लगा के अभी एक्चुअली शूट कर रही थी। और यहाँ पे ये सब देखिए, ये बास्केट रखी हुई है बर्तनों के लिए। ये सिंक है मेरा, ये यहाँ पे मैं ये एक एक्स्ट्रा लगा के रखती हूँ क्योंकि ये इसको जब मैं इसको ऐसे ही पानी चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और ये बिल्कुल सिंक के ये जो पोर्शन है ना, इस जगह पे पानी गिरता है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको आगे करके यूँ रखती हूँ तो ये पानी का डायरेक्शन जो है बहुत सही आता है। और बस अब ये यहाँ पर मेरी एक बड़ी सारी विंडो है किचन में। और ये जो मैंने दो मनी प्लांट लगा के रखे हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट आने वाले 2-3 दिनों में, मैं इसे पॉट में ट्रांसफ़र करने वाली हूं। और यहां पे मैंने कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा रखा है जो कि मुझे ये मैंने सुखाने के लिए रखा था यहां पे, और इसको अभी मैं शिफ्ट करूंगी इसमें। यहां पे मेरी मिक्सी रखी हुई है, मिक्सी को मैं कपड़े से कवर करके रखती हूँ क्योंकि ये विंडो के बिल्कुल पास है तो डस्टी ना हो जाए। ये यहाँ पर किचन का जो है इस तरफ मैं रखती हूँ जो एकदम ज़रूरी सामान। ये यहाँ पे मैंने नाइफ़ वगैरह रखी है, ये बच्चों का एक सिपर था पहले जो कि पुराना हो गया था, यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने उसमें नाइफ़ डाल के रखी। उसके पीछे स्पून्स रखी हुई है, बॉर्नवीटा है और उसके ऊपर प्रोटीन एक्स रखा हुआ है क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं अलग अलग पीते हैं। छोटा वाला जो सीतांश है वो बॉर्नवीटा पीता है और बड़े वाले को प्रोटीन एक्स देती हूँ क्योंकि उसको वीट एलर्जी है तो उसको बॉर्नवीटा डॉक्टर ने मना कर रखा है, प्रोटीन एक्स देती हूँ उसको। नमक मसाले के डब्बे और यहाँ पे मैंने रखे हैं चीनी चाय पत्ती। और चीनी मैं यहाँ पे मैं ये लौंग डाल करके रखती हूँ क्योंकि लौंग डालने से चीनी में चींटियाँ नहीं होती है। ये यहाँ पे घी और तेल के छोटे छोटे ये रखे हुए हैं, आलमंड रखे हुए हैं। और ये जो सारे डब्बे हैं इनमें यहाँ पर मैं राजमा, छोले
इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। देखिए छोले हैं और इसमें चने हैं, राजमा, छोले, चने और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सारे स्नैक्स आइटम हैं, नमकीन, भुजिया और यहाँ पे पाउडर्ड गुड़ रखा हुआ है, हनी है, ग्लूकॉन डी है और साइड में, इस साइड में कोने में यहाँ पे ये ऑयल रखा हुआ है। वहाँ पे मैंने एक चॉपर रखा हुआ है और एक छोटी सी आप लाइट देख पा रहे हो जो कि मैं जब रात को वीडियो शूट करती हूँ, स्पेशली जब किचन का कुकिंग का रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसमें मैं फोकस करने के लिए वो लाइट यूज़ करती हूँ। ये इधर मेरा माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के पास में मैंने फॉयल रखा हुआ है, यहाँ पे कॉलिन रखा है मैंने साइड में और यहाँ मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैंग करके रखी हुई है डेली यूज़ की। और यहाँ पे एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा है और ग्रीन टी है, एक कैस्ट्रॉल रखा हुआ है, उस कैस्ट्रॉल में मैंने आज सुबह जो सब्जी बनाई थी वो निकाल के रखी है। ये यहाँ फ्रिज है, ये फ्रिज के नीचे यहाँ पे आलू, प्याज और अदरक लहसुन का ये है। ये फ्रिज के कपड़े के यहाँ पे मैं कुछ कुछ जो मेरे सामान यूज़ होते हैं, जैसे ये कि केक के लिए मुझे बटर पेपर की ज़रूरत होती है या कुछ भी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं इसके अंदर डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे सिलेंडर है और सिलेंडर के यहाँ पे कुछ बड़े स्पून्स, चलनी वगैरह वो मैंने एक बॉक्स है उसके अंदर डाल के इस तरह से खड़े खड़े रखे हैं। ये बहुत ही कम यूज़ होने वाले जो हैं और इसमें कुछ कुछ मेरे जो मैं सब्जी वगैरह काटने के लिए बास्केट वगैरह है, सब्जी वगैरह वॉश करने के लिए वो है। ये आटे का डब्बा है, ये एक यहाँ मैं स्टूल रखती हूँ छोटी सी ताकि कहीं ऊपर से कुछ सामान वगैरह उतारना हो तो भी काम आता है या फिर मैं बैठ के अगर कोई काम कर रही हूँ नीचे तो भी काम आती है। ये सारे स्टील के डब्बे हैं, इनमें मैंने चावल वगैरह रखे हैं, दो में चावल है ये पहले वाले, उसके बाद ये सारी दालें हैं। तो ये दाल में मूंग दाल मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं बच्चों के लिए चिल्ला वगैरह काफ़ी बनाती हूँ, पकौड़ी वगैरह भी बनाती हूँ। उसके बाद एक में ओट्स है, इधर भी दोनों में दालें हैं। और पीछे जो दो बड़े डब्बे दिख रहे हैं वो उसमें मैं जैसे जो सामान सारे डाल देती हूँ उसके बाद जो होता है ना छोटे छोटे पाउच में कुछ कुछ सामान थोड़ा थोड़ा रह जाता है वो डाल के रखती हूँ ताकि वो इधर उधर पैकेट्स में ना रहे, वो दो पीछे के डब्बे हैं उनमें मैं डाल देती हूँ या फिर कोई अनयूज बिल्कुल यूज़ नहीं किया हुआ बिल्कुल फ्रेश पैकेट्स कोई चीज़ का होता है तो वो मैं रख देती हूँ। यहाँ पे पीछे चीनी है, चाय पत्ती का बड़ा डब्बा है 5-5 किलो का और पापड़ वगैरह हैं और मसाले वगैरह रखे हुए हैं, बेसन, चावल का आटा, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो डस्टबिन है, इसको तो क्या दिखाना है मुझे। वहाँ पर एक छोटा सा मैंने जो ग्रेनाइट का टुकड़ा बच गया था वो नाले के आगे लगा के रखा है क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे चूहे वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर वगैरह रखे हुए हैं और तवे रखे हैं नॉनस्टिक और रेगुलर यूज़ के जो लोहे का तवा वो भी रखा है, ऑयल रखा हुआ है यहाँ पे और टोस्टर रखा हुआ है, पोहे का डब्बा है और बाकी वहाँ कोने से मैंने रखे हुए हैं ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कम यूज़ होती है। यहाँ बच्चों के टिफिन्स वगैरह हैं और ये छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं जिनके अंदर में मैंने रखे हैं गरम मसाले, पोस्तो और लौंग वगैरह हैं और इसमें वो हैं क्या कहते हैं काला नमक, ये सारी चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी जो कम कम चीज़ें होती हैं वो सारी मैं यहाँ पे रख के रखी हूँ। ये इधर मैंने रखा है जग, ये दो जग हैं मेरे जिनमें मैं किचन के टाइम कुकिंग के टाइम जो होते हैं वो मैं रखती हूँ और इस जग के अंदर में मैं रात को पानी भर के रखती हूँ ताकि इसके अंदर, देखिए इसके अंदर की जो कोटिंग है वो ये है तो ये तांबे का जो अंदर की कोटिंग होने की वजह से तांबे का पानी सुबह उठकर पीना चाहिए तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पीते हैं। यहाँ पे जो रेगुलर यूज़ के कुछ इसबगोल वगैरह, कुछ बच्चों की खांसी वगैरह की दवाई वगैरह वो सब है। यहाँ एक वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है और यहाँ पे पहले मैं एक्वागार्ड मैंने लगा के रखा हुआ था लेकिन यहाँ से मैंने एक्वागार्ड हटा दिया क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ख़राब आता है जिसके वजह से हमारा एक्वागार्ड है वो 2-3 बार ख़राब हो गया और बिल्कुल भी
हमारा जो एक्वा गार्ड है उसको लेके हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए हमने हटा ही दिया। तो हम म्यूनसिपैलिटी का जो पानी है वो यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, और जो बाहर से डिस्पेंसर में जो आपने देखा इस तरह का लगाया हुआ है, ये मैं यूज़ करती हूँ पीने के लिए, हम सभी पीने के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी कुछ इसमें रहता है और कुछ फ्रिज में बॉटल्स वगैरह भर के रख देती हूँ मैं। रखी है और ये यूरो फ्रेश की है, और इसका किचन चिमनी क्लीनिंग के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो छोटा सा बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो झट से आपके पास मिल जाए, पहुँच जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।